बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट व्यूअर्स एंड विजिटर्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रेसिंग करना सीखेंगे अडोब इलस्ट्रेटर में उसके एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल पेन टूल को यूज करते हुए। तो प्रैक्टिस के लिए हमने जो एक आइकन आप क्या लिए हैं लोगों क्या लिए हैं वो हमने जो चूज किया है वो है प्रोडक्ट गूगल की, जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेशन, और उसका जो आइकन है वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। तो हम पेन टूल को यूज़ करते हुए इसको टेस्ट करेंगे एज ए प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि आप लोग भी समझ सकें कि पेन टूल को यूज़ करके आप टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है, खास तौर पर उन तमाम नए विजिटर्स से जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले आइकन बटन को हिट करें और ऑल के ऑप्शन को सेट कर लें, ताकि मेरे अंदर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन और टाइम महसूस कर सकें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड थैंक फॉर काइंड सपोर्ट। चलें अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं और इसको ट्रेस आउट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास जो इमेज ओपन हुई है आप अपने लेयर के पैनल को ओपन करने और इसको ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक कैसे करना है, यानी इसको लॉक लगाते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉक का सिंबल नज़र आएगा। उसके बाद आप क्रिएट न्यू लेयर पे आएँ और वहाँ से एक क्लिक करेंगे बटन, तो आपके पास एक नई लेयर इस्तेमाल हो जाएगी। जिस पिक्चर को या जिस लोगों का आप ट्रेसिंग कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस लोगों को एनालाइज कर लें। एनालाइज करने से मकसद ये है कि आप उसको अच्छी तरह क्या पीसीस कर लें उसके, कि कहाँ से आप उसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ वो उसको इजीली आप एंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज़्यादा एक्यूरेसी, ज़्यादा नीटनेस और टाइम सेविंग। तो मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ सिंबल 1। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा जी, मैं यहाँ से, ये जो मेरे पास ये सिंबल है इससे मैं स्टार्ट करूँगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा सा क्लियर बता सकूँ। आप देखें यहाँ आपके पास दो कलर हैं इस पोर्शन में, ऊपर वाला पिंक में है तो इसलिए वो आपको डिफरेंट नज़र से आ रहा है, तो हमने इसको इग्नोर कर देना है। जो हमारे पास शेप में हम उसको फोकस करेंगे, तो आप देखिए हमारे पास ये एक थिन सी लाइन है, यहाँ थोड़ा सा डार्क ग्रे है, यहाँ थोड़ा सा लाइट ग्रे है। इसी तरह ये थिन लाइन आपके इस सिंबल को टू पोर्शन में डिवाइड करती है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने एनालाइज किया तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा, तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। ये आपकी अपनी मर्जी है, अपने माइंड के मुताबिक जहाँ से मर्जी स्टार्ट करना चाहते कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सिंबल 1 का निशान दिया, क्योंकि इसमें सिंबल 2 टाइप्स, एक इस लाइट ग्रे में है, एक डार्क ग्रे में है। तो मैं क्या करता हूँ, पेन टूल मैंने यूज़ किया, इसको मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और अपने वर्किंग थोड़ी सी स्टार्ट करता हूँ। अब देखें मैं थोड़ा सा ओरिजिन जूम इन होता हूँ, यहाँ से इसको आप फिल को ऑफ कर दें। अब मैंने सारा नहीं जाना, मैंने इस पोर्शन तक आना है और यहाँ तक आना है, यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, क्योंकि मैं इस सिंबल को ट्रेस कर रहा हूँ। ज़्यादा मैं एक्यूरेसी का ख्याल नहीं रखूँगा, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको एक्यूरेट कर सकूँ, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो आप काइंडली अपनी नीटनेस के लिए अपनी प्रैक्टिस के दौरान जितना मर्जी टाइम का लगा सकते हैं लगाएं, शुरू में टाइम लगता है लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह तो आप तेज़ी से इस पर काम करेंगे। ये जो मैं आर्ट के साथ प्रेस करते हुए उसके थोड़ा सा मैं उसको सीक्वेंस में लेके आता हूँ। अब जैसे देखा मैंने इसको थोड़ा सा कर्व दिया, तो इसको सीक्वेंस में लाने के लिए देखा अगर मैं डायरेक्ट लेके जाता हूँ तो ये कर्व में आ रहा था, मैंने ये कर्व ख़त्म करना है। तो मैं आर्ट को प्रेस करके इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा ताकि ये
इजीली सॉल्व हो गई। देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, इसको प्रेस किया और यहाँ ये, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा जो डार्क साइड में सिंबल वन था जिसको मैंने नाम दिया वो कंप्लीट हो गया। इसको मैं अब यहाँ से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यानी कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने आई ड्रॉपर उठाया टूल और वहाँ जाकर मैंने इसके कलर पर क्लिक कर दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, ये पोर्शन मेरे पास कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको ऑफ करके दिखाता हूँ। वापस क्या मैं इसको देखें, मेरे पास वो सिंबल आ गया, यानी मैंने इसकी आई को टर्न ऑफ किया तो मेरे पास जो मैंने ट्रेस किया था वो पोर्शन डिस्प्ले हो गया। अब मैं दोबारा जाता हूँ। अब मैंने दोबारा क्या करना है, अब मैं सिंबल टू करता हूँ, इसके ऊपर मैं एक नई लेयर लेता हूँ यहाँ से ताकि ये मिक्सअप ना हो जाए। इसको मैं लिखता हूँ सिंबल टू, प्रॉब्लम हो गया। स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये मेरा सैंपल टू हो गया नई लेयर पे। तो मैं इस पे काम स्टार्ट करता हूँ। वही मैंने पेन टूल लिया, यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया यहाँ से। अभी इस पे मजीद भी सैंपल थ्री भी आ सकता है क्योंकि दो पोर्शन है मैं जो आपको बताऊंगा। यहाँ से इसको इंटरचेंज कर दें, जूम इन कर लें और इसको जूम आउट करके सिलेक्ट करें और आई ड्रॉपर के साथ जाके इसका कलर सेट कर लें। अभी मैं आपको टर्न ऑफ करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगी क्या कैसे काम हुआ है। ये देखें अब हमारे पास पूरा का पूरा आइकन का सिंबल आ गया। जूम इन करता आउट करता हूँ ताकि आप सिंबल को देख सकें। और अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँ तो ये थोड़ा सा सही नहीं बना। आप इस पर खुद थोड़ी सी ट्राई करके देख लीजिएगा, सही करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैंने क्या किया, इसको दोबारा टर्न ऑन किया और इसको मैंने अगेन लॉक कर दिया। अब मैंने एक नई लेयर ली, इसका नाम रखते हैं हम लाइट ग्रे। और लाइट ग्रे के बाद हम ये लाइट बॉक्स जो है हमारे पास, हम इसको ड्रा करते हैं। पेन टूल लिया हमने, और से इसको हमने सेलेक्ट किया देखा मैंने आपको ना, इसकी कुछ सिमेट्री का मसला है। इसको सेट करता हूँ अगेन और आई ड्रॉपर के साथ जाके इसका कलर मैंने सेट किया तो ये मेरे पास आ गया उसका कलर का शेप। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ आता हूँ और इसको मूव करके नीचे लेके आता हूँ सिंबल वन के नीचे भी। अब देखें कि वो जो हमारे पास शेप थी वो नीचे चलेगी। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन एक नई लेयर लेता हूँ तो
नई लेयर भी ले सकते हैं, इस पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है मैं नई लेयर ले लेता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ डार्क ग्रे, ग्रे। तो मैंने दोबारा गया पेन टूल पे, पेन टूल को सेलेक्ट किया, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। यहाँ से मैं स्वैप कर देता हूँ, तो ये सेलेक्ट हो गया। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने उस सेक्शन बटन के साथ और इसका मैं कलर चूज करता हूँ ये, और ये मैंने ये डार्क कलर चूज किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जाके उधर अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो देखने वाला पोर्शन गायब हो गया। तो अगर मैं इसको भी ऑफ कर दूँ और लाइट ग्रे को भी ऑफ कर दूँ तो आपके सामने सिंबल आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारी अभी तक ट्रेसिंग सही जा रही है। तो अब हमने क्या करना है, हम सबसे पहले अभी आप इसमें एक दो चीज़ें देखेंगे जो अभी नहीं हो रही, तो वो मैं अभी लाइट को ओपन करता हूँ, दोबारा लाइट पे जाता हूँ और ये वाली जो ट्राइंगल है इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ये जो हमारे पास बच गई थी। जूम आउट करता हूँ ताकि हम उसको बना सकें। सेलेक्ट किया आई ड्रॉपर और यहाँ हमने इसको कलर दे दिया। अब जाके मैं इसको ऑफ करके देखता हूँ और जूम आउट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या हुआ है। तो अब देखें वो आपके पास वो वाला पोर्शन भी आ गया है। तो अगर मैं इसको सिंबल वन ऊपर वाला बिल्कुल पोर्शन सही है, पूरा का पूरा आया, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो भी नीचे वाला पोर्शन आ रहा है। तो अब हम अपने दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है कि दोबारा मैं लेयर पे आता हूँ, ये मेरी ओरिजिनल लेयर है और उसमें मैंने क्या किया नई लेयर ली। अब मैं इसको लिखता हूँ, अब मैंने ये जी को ट्रेस करना है, किसी भी कर लें लेकिन मैं फर्स्ट जी को करूँगा। जी यहाँ मैंने जी लिख दिया और इसको मैं ऊपर वाली लेयर लाइट के ऊपर मैं लॉक कर दूँ। पेन ट्रेस पेन टूल लिया ट्रेसिंग करने के लिए, यहाँ से स्वैच कर लें, यहाँ से बिल्कुल जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप, मैंने जी लिखा लेकिन मैंने शेप ट्रेस कर ली तो कोई मसला नहीं, मैं उसका नाम चेंज कर लूँगा। तो इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ड्रा करके यहाँ ले आता हूँ। अभी मैंने जी करनी है, इसको मैं दे देता हूँ जी शेप, मैं बाद में ले आऊंगा। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ इसके ऊपर फर्स्ट वन पे जी, करनी जी थी गलती से, वो हो गई, कोई मसला नहीं।
एक नई लर्निंग भी हो जाएगी इधर। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। आपसे गुजारिश करता चाहूँ कि ये जो जी भी है ये भी कुछ सिमेट्रिकल में नहीं है, तो आपको इसको बड़े एहतियात से करना होगा। मुझे यहीं से सही नहीं नज़र आ रहा, यानी आप थोड़े थोड़े पोर्शन से कर लें जहाँ जहाँ जितने पोर्शन से सही हो सके। सही नहीं हो रहा, मकसद एक्यूरेसी लेके आना। ट्राई करके देखते हैं कि शायद एक ही सफर ये सारा हो जाए। नहीं हो रहा, सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके इसको कलर दे दिया। अभी मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ। ब्लू शेप को मैंने अभी लॉक किया हुआ है, लेकिन मैं इसको जो मैंने उसको मैं आई पे भी जाके क्लिक करता हूँ। देखा आपके पास जी आ गया, तो हम क्या करता हूँ मैं इसको जाके दोबारा टर्न ऑन करता हूँ और ब्लू शेप को रखता हूँ और सेलेक्ट किया उसको। मैं जी के नीचे लेके आता हूँ, ये देख। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ अपना लोगो चेक करने के लिए। ट्रेसिंग के हवाले से मेन को मैंने आई आई बट आइकन जाकर क्लिक किया, तो देखिए हमारे पास कौन कौन सा पोर्शन रहेगा। एक ये वाला पोर्शन रहेगा, तो हम इसको भी जाके ठीक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बेहतर है कि आप एक नई लेयर ले लें। तो हम जाते हैं यहाँ एक नई लेयर लेते हैं और यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्राई एंगल। ट्राई एंगल लिख दिए क्योंकि मैंने ट्राई एंगल बनाना है। और दोबारा पेन टूल पे गया, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया स्वैप किया, फिल को सेलेक्ट किया और आई ड्रॉपर से मैंने उसका कलर पिक कर लिया। ये लग रहा कुछ, देखते हैं क्या है। हाँ जी, तो अगर मैं आप इसको टर्न ऑफ करूं मेन को, तो देखें आपके पास थोड़ा सा ये गैप आ रहा है। आप इसको ठीक कर सकते हैं बाद में मजीद जूम इन करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पेन टूल की प्रैक्टिस अच्छी तरह समझ में आई होगी। और इसको मेरी प्रैक्टिस करने के लिए इसका मैं लिंक नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इसको अपने प्रैक्टिस में यूज़ कर सकें और अच्छी तरह कमांड हासिल कर सकें पेन टूल की यूज़ करने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर दर्ज करें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।